हैर गाइज बाट इज अब तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग पहले से बेटर होंगे। तो भाई आप सभी लोग का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ रूम पर, तो भाई चलो देखते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं पानी भरने जा रहा हूँ एंड भाई रूम देखो भाई पूरा बिखरा हुआ है। तो भाई पहले तो भाई रूम की साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि रूम ऐसे ही होते हैं ठीक है। मेरा भाई हज़ारों गुना साफ है। अभी मेरे दोस्तों का देखो ना, तो मान दो अभी भाई मैं इसको चमका दूंगा पूरा, जो मैंने आज तक नहीं किया। देखो भाई 2 मिनट में पूरा रूम चमका दिया मैंने। दे लौंडो की पावर, काम करते करते मुझको तो मतलब भूख लग गई, तो अब मैं दुकान जा रहा हूँ, दुकान से कुछ खाने के लिए ला रहा हूँ, फिर काम करूँगा। यार बताओ यार, मैं यार फ़ोन चार्ज पे लगा के पुलाव लेने गया था एंड भाई मैं जब लौट के आया तो पता चला कि भाई स्विच ही बंद है। बहुत प्रॉब्लम भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। एंड देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखो भाई एकदम फुली चटपटा मसाला। एंड भाई सबसे गलत बात ये भाई, ये 50 रुपये का है। आज भाई ये होटल से लाया हूँ, क्योंकि मतलब यहाँ पर हम लोग खाते तो भाई इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है 20 रुपये में, बस ये 50 रुपये में मिला है, लेकिन ये उससे ज़्यादा टेस्टी जरूर होगा। तो तुम भी खाओगे लेकिन आ नहीं खाओगे ठीक है। तो भाई ये मैं खाने वाला हूँ, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। खाने को तो नहीं मिलने वाला, बट सॉरी भाई जब मैं आपसे मिलूँगा तो सबको एक एक पुलाव खिलाऊँगा, पैसे तुम ही दोगे लेकिन सुपर। ये सब तो हो चुका है, अब भाई एक कष्टदायी मूवमेंट आ चुका है जिसको कहते हैं बर्तन धोना, जिसे मैं सहता हूँ, मैं समझता हूँ। अब भाई बर्तन धोने पड़ेंगे। ये बर्तन साफ हो चुके हैं एंड ये देखो भाई ये टूट गया भाई मेरे से, मतलब यार ऐसा ही होता है। एंड चलो भाई ये भाई दूध को इसमें डाल दिया जाता है, इसको गर्म कर दिया करना है। लाइफ सबसे बढ़िया, मतलब यार खुद खाना बनाओ खावाओ बस भाई। ये शादी करना बीवियाँ पालना सब बेवकूफ़ी के काम है, बड़ी दिक्कत है। खुद बनाओ खुद खाओ एकदम चिल लाइफ फिरो। अब गाइज सब्जियाँ काटी जाएंगी, ये देखो सब कुछ है अपने पास, अब इनको इनका मर्डर कर दिया जाएगा। सोचना कि एक लड़का होकर कैसे बताऊँ भाई, खाना बनाना पता है मुझसे हमेशा सब्जी में बनाता हूँ तो बहुत बुरी बनती है, बट भाई मैं जिस दिन सीरियस हो जाता हूँ ना तो उस दिन कमाल का होता है, क्योंकि मैं भाई पूरा रेशियो सब कुछ भाई देख कर बनाता हूँ। गाय यार मुझको यार थोड़ी सी चाकू लग चुकी है, कोई बात नहीं उसको बैंडेज कर दिया जाएगा। भाई देखो यार मैंने सब्जी बना ली है, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई हुई है भाई, कितनी एकदम सुंदर एंड सील एंड टेस्टी सब्जी है ये। एंड मैंने जब इसको खाया तो मज़ा आ गया, एंड मैं अब रोटियां बनाऊंगा फिर उसके साथ तो ये खाने ही वाला हूँ। एंड कमेंट में जरूर बताना कि ये सब्जी कैसी लगी, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, खाने में तो इससे भी ज़्यादा अच्छी है। रोटियां बनाने तो मुझको आता नहीं है, कभी मैं भूटान का नक्शा बनाऊंगा, कभी श्रीलंका का, कभी नेपाल का, कभी इंडिया का, और गोल तो मुझसे बनने नहीं वाली, बट ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है। ढक कर रख देते हैं कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। तो भाई यार 4 ही रोटियां या 3 ही रोटियां खाने वाला, लेकिन ये भाई थोड़ी भाई 7 बन चुकी है, तो भाई कोई बात नहीं है, मैं भाई 3 रोटियां नीचे फ्लोर में दादी में रहती है तो उनको दे दूंगा। देखो तुम्हारा भाई बना रहा है रोटियां, बेलन नहीं मिल रहा भाई, जाने कहाँ भाई खो गया, मैं भाई खुद भाई परेशान ढूंढ गए। तो फाइनली हमको हमारा बेलन मिल चुका है, उससे तो गोल होने ही नहीं वाली, होगी शायद जाने कब तक, हो चुकी है तैयार। तो गाइस हमारी रोटी देखो तैयार हो चुकी है, ये बहुत टेस्टी लगने वाली है, एकदम नमकीन ही लगने वाली है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जल भी चुकी है, थोड़ी सी मैंने जो जानबूझ के किया है एंड बहुत अच्छी लगने वाली है। तो भाई अब ये तो पक्का है कि मैं एक होटल पर रोटियां बनाने की नौकरी और सब्जी बनाने की नौकरी बिल्कुल आसान से पा सकता हूँ, करियर बन चुका है मेरा। वो कहते हैं नो टाइम फन करियर फ्रीडम के लिए एक अचीवमेंट बताऊँ, अभी भाई नीचे मतलब नीचे से आंटी आई, वो कहने लगी भाई तूने आज बनाया क्या है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड वो आई, उनको मेरी सब्जी पसंद आ गई और वो ले भी गई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भाई अंदाई सब्जी और वो करें यार थोड़ी सी मुझको भी दे दो। तो मैंने कहा चलो ले जाओ आंटी, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा ही बन चुकी है। मैंने एक रोटी को इतना जलाया कि भाई वो गुस्से से फूल गई, एंड भाई वो फूल गई तो मेरे लिए अचीवमेंट हो गया। एंड मैंने भाई उसको व्हाट्सएप स्टोरी एंड इंस्टाग्राम फेसबुक की स्टेटस पे लगा दिया, बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है ना। ये देखो भाई कितनी प्यारी सी रोटी है, देखो भाई है ना बिल्कुल एकदम क्यूट सी रोटी। भाई रोटी फूल चुकी है भाई, ये देखो भाई इसी बात पे सब्सक्राइब करो ब्रो। भाई यार देखो कितनी मस्त रोटी फूली है,
यार रोटियां बन चुकी हैं, अब मैं जाके नहाऊंगा और फिर नहा के आके यहाँ पर खाना खाऊंगा। फिर 2 बजे कोचिंग जाना है मुझको फिर, एंड शाम को सर से मिलने जाना है क्योंकि आज मीटिंग है। लखनऊ से सर आए हैं तो उनसे भी मिलने जाना है। तो सब कुछ अभी पूरे दिन बाकी है और देख रहे हैं क्या क्या होता है, क्या क्या मज़ा आता है।